जब भी बात तरबियत औलाद की आए, ये मुआमला इनएकादे नुतफे से बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए, बेऐन ही उसी वक्त के जब उस बेटे के कि जिस बेटे की तरबियत का इरादा रखते हैं उसकी मां के इंतखाब का वक्त, तो तब से तरबियत का आगाज उस वक्त से हो रहा है। और खुद शरीयत ने यह बताया उन दुआओं के तर्जुमे के अंदर यह पैगाम पोशीदा कि वो दुआएं कि जिन दुआओं को बमुश्किल कोई पढ़ा करता होगा, बमुश्किल शादी होने वाली है बल्कि अभी शादी की ख्वाहिश जागी है, इस्लाम ने तालीम किया ये दुआ पढ़ो, तुम्हें फील हो रहा है कि अब मुझे शादी की जरूरत है, यू हैव अ दुआ टू रिसाइट एंड एट द सेम टाइम यू हैव अ मैसेज फॉर यू इन दैट। पढ़ो तो सही, अगर तुमने दुआ पढ़ी तो तुम्हें वो पैगाम मिल जाएगा। किसी भी अपने वालिद दादा चाचा वालिदा दादी भाई बहन जो तुम्हारे सबसे करीब तरीन हो उससे जाकर इजहार ख्वाहिश करने से पहले खुदा से कहो, उस दुआ का छोटा सा तर्जुमा सुन लीजिए, ऐ खुदा मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे एक ऐसी खातून एक ऐसी औरत अता करके जो मेरे सालेह और नेक बच्चों की मां हो, बरकत रिस्क इल्म रूहानी मानवी मादी हकीकी मजाजी तमाम तर खसूसियात और इम्तियाजात उस दुआ के अंदर मांगे जा रहे हैं उस वक्त के जब अभी इरादा कर रहे हैं शादी करने का और अक्त करने का। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे को खुदा से तलब कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं उसी बेटे अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा को, और इस काम के लिए मुंतखब किया जनाब अखील को कि जो माहिरुल अंसाब अरब हैं, अरब के कबीले के अंदर जानते हैं जितने कबीले हैं उनको जानते हैं, उनके इम्तियाजात को खसूसियात को जानते हैं। जनाब अकील को बुलाया और बुलाकर कहा, और एक और बात भी हो सकती है कि जो आप सुनेंगे, ए अकील एक ऐसे खानावादे की तलाश है अली को कि जिस खानावादे में अक्त करके खुदा ताला मुझे एक बहादुर आलिम फकी बेटा अता करे, एक शजा बेटा खुदा अता करे, ए अकील एक ऐसा खानावादा तलाश करो कि जिसके इल्म की मिसाल दी जाती हो, जुहद तकवा की मिसाल दी जाती हो, शजाअत की मिसाल दी जाती हो, और गालिबन लफ्ज सब्र भी मौजूद है। जनाब अकील ने तलाश किया और जनाब हिजाम का घर बताया, लेकिन मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम पैगाम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जो जानते हैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को, वो अली ये कैसे हो सकता है मदीना मुनव्वरा से 5 किलोमीटर दूर मौजूद कबीला बनी हिजाम और कबीला बनी किलाब को न जानते हो। मगर बुलाया इसलिए कि चूंकि उस काम की महारत रखते हैं जनाब अकील,